नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सृजनात्मक बालकों की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनको की पहचान क्या होती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए ध्यान देनी चाहिए। सृजनात्मक बालकों के लिए मैकिनल ने जो परिभाषा दी है उसके हिसाब से सृजनशील बालक की रुचि अर्थों, प्रतीकों और उसमें निहित अर्थों में अधिक होती है। वो शाब्दिक ज्ञान पर भरोसा नहीं करते हैं, वो चीज़ों को रटते नहीं हैं, वो उस पर गहराई तक जाते हैं, हर चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, ये कहना है मैकिनल का। दूसरी बात कही जाए तो उनमें उच्च सैद्धांतिक होते हैं, वो जो सिद्धांत वो अपने लिए बनाते हैं उनका पालन करते हैं। कल्पनात्मक मूल्य होते हैं उनके जो मूल्य होते हैं वो कल्पनाओं पे आधारित होते हैं। इनमें उच्च सैद्धांतिक जो होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, एक अच्छे सिद्धांत होते हैं और वो अपने सिद्धांतों के लिए बाकी बच्चों की अपेक्षा दृढ़ होते हैं। अगर उन्होंने एक चीज़ समझ ली है कि उन्हें झूठ नहीं बोलना है, तो बाकी बच्चे अगर ये चीज़ सोचते हैं तो वो जल्दी से उस चीज़ से पीछे हट सकते हैं। लेकिन जो सृजनशील बालक होते हैं वो अपने सिद्धांतों के लिए दृढ़ होते हैं बाकी बच्चों की अपेक्षा। इनका जो IQ लेवल होता है वो 120 यानी 120 से भी ऊपर होता है। इनमें मौलिकता का गुण पाया जाता है, जो इनकी सबसे विशेष पहचान है मौलिकता का गुण पाया जाता है। ये हर चीज़ में वो चीज़ देखने की कोशिश करते हैं जो सामान्यतः लोग छोड़ देते हैं। कुछ मौलिक, कुछ नया देखते हैं और कुछ नया ही सोचते हैं और इसी से उनकी सृजनशीलता का विकास होता है। इनमें तीव्र इच्छा शक्ति होती है, इनकी इच्छा शक्ति इतना तीव्र होती है कि जो ये चाहते हैं वो पाने में पूरा प्रयत्न अपना लगा देते हैं। आत्मनियंत्रण होता है इनमें, खुद को नियंत्रण करने की क्षमता पाई जाती है, जो सोच लिया उसको किया। ये मन की अपेक्षा बुद्धि के सिद्धांतों पर ज़्यादा चलते हैं। दूरदर्शिता होती है, दूर के परिणामों को ये पहले से भांप लेते हैं, बहुत बाद का सोच कर ही ये कार्य करते हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है इनमें, जो मुख्यता होती है अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है। अगर आप बड़े नामी सृजनशील बालक जो आगे चल के बहुत नामी वैज्ञानिक या इस तरह के बने, तो आप ये ध्यान दीजिए कि ज़्यादातर की जो प्रवृत्ति थी वो अंतर्मुखी थी। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में खोए रहते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होने के लिए उनका शायद दिमाग खाली नहीं होता है, क्योंकि वो अगर कोई चीज़ देख लेते हैं तो उसका चिंतन करते रहते हैं बहुत समय तक, और यही चिंतन उनको मौलिक विचार प्रदान करता है। उसके अलावा ये आत्मनिर्भर होते हैं और विचित्र और अनूठे विचारों से युक्त होते हैं। अगर बहुत छोटी एज का सृजनशील बच्चा है, वो आपसे इस तरह के प्रश्न करेगा कि आप उसके प्रश्नों के सामने वाकई में निरुत्तरित हो जाएंगे, आपको उत्तर सूझेगा नहीं। एक अजीब सी कल्पना, अनूठे से प्रश्न वो किसी भी चीज़ को देख के, सामान्य चीज़ को देख के वो ऐसे प्रश्न कर सकता है जो सामान्यतः लोग नहीं सोचते हैं। ये होती हैं जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं। अब सृजनात्मक बच्चों की पहचान क्या होती है? सृजनात्मक बच्चे ज़्यादातर अव्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं और उसमें स्वयं को ढाल लेते हैं। कोई भी अव्यवस्था हो उसको स्वीकार करके उसमें अपने आप को ढाल लेने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। ये हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, कोई भी काम को करके देखना चाहते हैं ये, थोड़ा भले उसमें जोखिम हो किसी भी चीज़ के प्रति। ये बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, हर चीज़ को जानने की समझने की ललक इनमें पाई जाती है। साहसिक होते हैं,
साहसिक होते हैं, तभी ये किसी भी चीज का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। लज्जालु होते हैं, ज्यादातर इनमें वही अंतर्मुखी प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, इसके अपवाद भी होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर परसेंटेज होता है सृजनात्मक बच्चों का, उनमें लज्जालु प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें श्रेष्ठ बनने की इच्छा होती है, ये दूसरों से अलग और श्रेष्ठ हमेशा बनना चाहते हैं और दिखना चाहते हैं। दृढ़ निश्चय होता है, जो ये सोच लेते हैं उसको जब तक कर ना लें इनको शांति नहीं मिलती है, बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं। कठिन कार्यों के प्रति रुचि, ऐसे बच्चों की हमेशा कठिन कार्यों के प्रति रुचि होती है, जो बाकी लोग सोचते हैं कि ये कठिन है हटाओ जाने दो, लेकिन सृजनात्मक जो बालक होते हैं वो कठिन कार्यों के प्रति भी रुचि दिखाते हैं, उनको करना चाहते हैं। हमारी परीक्षाओं में अक्सर इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सृजनशील बालक की विशेषताएं और पहचान बता दी। परीक्षाओं में अक्सर एक उदाहरण देकर पूछ लिया जाता है कि ये बालक किस प्रकार का है, प्रतिभाशाली बालक है, सृजनशील बालक है, या अन्य उदाहरण दे दिए जाते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी था कि सृजनशील बालक की विशेषताएं और पहचान क्या होती है। सृजनशील बालक को जब शिक्षा दी जाती है तो इसमें विशेष ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके तर्क जो वो करते हैं, जो वो प्रश्न करते हैं, जो वो गहन सोचते हैं, उन विचारों को बल मिले, उनको उनके उत्तर प्रदान किए जाएं, उस चीज पे उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनकी जो सृजनात्मकता है उसको आगे बढ़ाया जाए, पहचान के कि किस चीज़ में उनकी सृजनात्मकता अधिक है। सृजनात्मकता किसी भी चीज़ में हो सकती है, विज्ञान संबंधी या साहित्य संबंधी, जिस चीज़ में उनका अधिक रुचि है, उनका अधिक मन लगता है, तो उसमें उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को चित्र पूर्ति परीक्षण, ये सृजनात्मक बच्चों के जो परीक्षण होते हैं, एक वो होते हैं चित्र पूर्ति परीक्षण, एक चित्र दे दिया उसको पूरा करना है, या व्रत परीक्षण, मतलब व्रतों पे आधारित एक चित्र का निर्माण करना है, ऐसा कोई भी परीक्षण जो उनको जिसमें अपना दिमाग लगाना पड़े, रटी रटाई चीज़ों पर आधारित ना हो, जिसमें वो अपना दिमाग लगाएं और कुछ नया मौलिक करने का उनको अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जितना भी उनको मौलिक करने का, नई चीज़ों को सृजन करने का अवसर प्रदान किया जाता है, ये बालक आगे चल के देश व समाज के लिए उतना ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। ऐसे ही बालक देश व समाज में आगे चल के समाज की आधारशिला का काम करते हैं। तो ये देखा आज के वीडियो में आपने सृजनशील बालकों की पहचान व विशेषताएं। अगर आपको हमारे ये छोटे छोटे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जितने भी वीडियोस मैं आपको अवेलेबल करा रही हूँ, अगर ये आप एक से दो बार सुन लेते हैं तो आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर मेरी बातें याद आएंगी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद किताब से पढ़कर भी उतना नहीं क्लियर हो पाता है, जब हम उनको सुनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से हमको समझ आ जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह से के वीडियोस हमेशा चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा इसको, और अपने कमेंट के माध्यम से हमारा प्रोत्साहन करते रहिएगा। धन्यवाद।